हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ HP LaserJet 1136 मल्टीफंक्शन प्रिंटर का एरर E1 E1 एरर। ये बेसिकली जो एरर होता है या तो सेंसर की वजह से होता है, जो पेपर सेंसर होता है उसकी वजह से होता है, या फिर आपका फ्यूजर हीटर जो होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। वो तो आपको अल्टीमेटली दूसरा लगाने से ही पता चल पाएगा, ये कोई फिक्स प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी ज़्यादातर पेपर सेंसर केस में ही ये प्रॉब्लम आता है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या इश्यू है। तो पहले दोस्तों हम देखते हैं कि प्रिंटर जब इनिशियलाइज होता है तो फुल फेज से ये इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा है। जैसे हम कवर डालते हैं ये इनिशियलाइज होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इनिशियलाइज होके रुक रहा है। तो इसका मतलब ये 100% प्रिंटिंग यूनिट का ही प्रॉब्लम है। सो फाइनली हमारा जो प्रिंटर है HP 1136 वो रेडी हो गया। हमने सारी तरह का, ये रहा आपका पेपर सेंसर यूनिट पीछे का जो कार्ट्रेज के साथ लगा रहता है, ये रहा आपका एग्जिट पेपर यूनिट असेंबली, सेंसर असेंबली, ये दोनों हमने बदल के देख लिया तो कोई नतीजा नहीं आया, वही E1 एरर आया। तो हमने फिर ये इंजन कंट्रोलर कार्ड चेक किया तो पता चला इसका प्रॉब्लम था। ये इंजन कंट्रोल कार्ड चेंज करने से आपका E1 एरर जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। याद रखिए, ये सिर्फ सर्विस प्रोफेशनल लोग ही चेंज कर सकते हैं, और जो कि जो बाकायदा स्पेयर पार्ट्स का नंबर लिखा हुआ है पर्टिकुलरली उसी नंबर का इंजन कंट्रोलर कार्ड मंगवा के उसमें लगाया जाए, ताकि E1 वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। ये देखिए हमारा प्रिंटर रेडी हो गया। अभी हम जेरॉक्स करके देखेंगे, कुछ हमने रख दिया है इसके अंदर। और ये हमारा कॉपी आ गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो E1 एरर प्रॉब्लम था ये इंजन कार्ड की, इंजन कंट्रोलर PCB की वजह से हो रहा था। तो दोस्तों पर्टिकुलरली हम ये कह नहीं सकते कि E1 एरर जो है वो सेंसर की वजह से या पेपर फंसने से होता है। इसके लिए और कई भी रीजन या कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कारण ये इंजन कंट्रोलर भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। धन्यवाद।